ये हमारे नसरुद्दीन भाई हैं, मुसरी गाड़ी का राइडर और हमारे सहयोगी। क्योंकि इसे अच्छा लगा है इसलिए कि मैं शुभकामना देती हूँ कि जो अच्छे से चले, क्योंकि हमारा युवा ने आज खोला है दुकान। माननीय मंत्री जी ने इस दुकान का उद्घाटन किया है और हम सब लोग आए हैं और मेरी शुभकामना है कि ये दुकान दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। फुलंदेर जी, अपने क्षेत्र में ये सब चीज़ तो नहीं था, कैसा लगा आप देखिए? बहुत अच्छा लगा है और ताज फर्नीचर जो खुला है उससे हमारे नगर पंचायत में लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। नया दुकान हो गया, सहूलत हो गया। मुजफ्फरपुर जाके लाते थे महंगा पड़ता था, वहाँ से भी सस्ता आपको अगर मुसी घाड़ी मिल रहा है तो अच्छी बात है। ताज फर्नीचर खुलने से कम इस इलाके के लोगों को बहुत सुविधा होगा, उसको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा देख के, तो हम बहुत खुशी हुए हैं। चलेगा जमेगा, हम लोग का काम रहा जमा देना। बहुत बढ़िया फर्नीचर है, चलिए। तो इकराम साहब और हम लोग आए हैं और हम लोग मुबारकबाद देते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बधाई देता हूँ, श्रोताओं को बधाई देता हूँ और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। एक एक इस ताजपुर पटोरी रोड में इतना बढ़िया दुकान, हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि फर्नीचर का खुलेगा और बहुत अच्छा लगा। थोड़ा तरह का दुकान खुला, मैं आबिद भाई को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी दुकान खोली। अब मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे मुसरी घराड़ी में ही। कितना दाम है? ये 3 सीटर सोफ़ा है, ये 22,000 रुपये का है। इसमें 3 कलर है। जो आप मार्केट में ऐसे जाइएगा तो 28,000-30,000 जिसको जो रेट है वो बेचता है, लेकिन कम से कम रेट पे आपको ये सोफ़ा मिलेगा। इसमें 3 कलर है। ये ड्रेसिंग है, ये कुछ नया लुक में है, इम्पोर्टेड चीज़ है। इसमें टचिंग लाइट है, मैं आपको जला के अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसमें दो, ये 65,000-70,000 रुपये रेंज के, लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 28,000 रुपये मिलेंगे। सागवान की लकड़ी है, इसमें सागवान की लकड़ी, सागवान की लकड़ी है और फिनिशिंग इसका देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल राजा महाराजा के पास जैसा सोफा होता है। 3 सीटर आएंगे इसके, 3 सीटर है ये एक और दो ये आएंगे, 3 सीटर एकदम नए लुक में आएंगे। सागवान की लकड़ी है बिल्कुल, गद्दा भी बहुत मस्त है। बहुत ही अच्छा लगा और मुसरी घराड़ी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठानों में से एक प्रतिष्ठान जिसका उद्घाटन आज हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका कि एक मुसरी घराड़ी में एक बहुत ही अच्छा चीज़ आया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने अपना कीमती वक्त दिया और याबिद बाबू का नया प्रतिष्ठान खुला है जो हमारे इस मुसरी घराड़ी शहर के लिए एक अजूबा चीज़ है। बच्ची की शादी है तो हम मुजफ्फरपुर जाने वाले थे और मझोलिया गए तो वहाँ 80-85-90 हज़ार बोला। हाया घाट गए तो 105 बोला, 1,05,000। ये आबिद जी खोले तो हमको बड़ा मेहरबानी, बेहतरीन चीज, फर्नीचर और डाइनिंग टेबल, हम सोफा सेट मिला करके हमको 60,000 में दे दिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आप तक इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के मुसरी घराड़ी नगर पंचायत में और इस वक्त देख सकते हैं आप पटोरी रोड में मौजूद हूं और यहां पे जो है आज सोहन मार्केट है जो कि ताज फर्नीचर का यहां पे आज जो है ओपनिंग हुआ है और जिसमें जो है मंदिरी जी यानी कि रंजन के विधायक विजय कुमार चौधरी जी जो अभी इसका ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और कैसे कैसे ओपनिंग वो कर रहे हैं वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जो है गुब्बारों से जो है ये ताज फर्नीचर बिल्कुल सजा हुआ और आप देख सकते हैं इसका जो है ओपनिंग यहाँ पर करेंगे मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ओपनिंग करते हुए। आइए देखते हैं अंदर में क्या कुछ है। डिग्री है आपका बेबी, वो उसको साइंस की नहीं मान रहा, यही ना मान रहा, ये क्या लाइन में लगता है डिग्री और कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ दिए थे, जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस का अलग आपको डिग्री नहीं है, आप पढ़ दिए कंप्यूटर साइंस, लेकिन आपने गड़बड़ी करी थी, बोलिए इतने दसों के अब तक। आप
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ताज फर्नीचर मुसरी घरारी के ओपनिंग के मौके पे इस इलाके के गणमान्य लोग, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ताज फर्नीचर के ऊपर का देख सकते हैं यहाँ पे फर्नीचर, ताज फर्नीचर का आज ओपनिंग हुआ है, जिसमें माननीय सारंजन विधायक प्लस बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी आए हुए हैं। सर इस वक्त जो है ताज फर्नीचर के ओपन, अरे बहुत बढ़िया फर्नीचर है, चलिए क्या हाल है, कहिए आपका नाम का आधा किधर है आपके नाम का आधा वाला कहा दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मुसरी घारी के ताज फर्नीचर के ओपनिंग के मौके पे सायंजन विधायक विजय कुमार चौधरी जी यहां पर अभी इस वक्त आए थे ओपनिंग करने ताज फर्नीचर पटोरी रोड मुसरी घरारी में। आप देख सकते हैं यहां पर तमाम लोग जो है मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पे मंत्री जी से मिलने के लिए भी यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। अब देख सकते हैं मुसरी घरारी के तमाम गणमान्य लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ताज फर्नीचर के अंदर तमाम लोग जो है बैठे हुए यहाँ पे, और सामने असरार दानिश साहब और अताउर रहमान साहब, इधर हाँ इधर देख सकते हैं अब्दुल हकीम साहब हैं, और तमाम लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, माफ़ करेंगे, और तमाम जो है लोग मुसरी घरारी क्षेत्र के जो है गणमान्य लोग हैं जो इस ओपनिंग के मौके पर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आइए आप लोगों के बीच जो है दोस्तों मैं अब जो है ताज फर्नीचर के फर्स्ट फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है देख सकते हैं सोफ़ा वगैरह जो है रखी हुई है, डाइनिंग टेबल वगैरह सब है, तमाम चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सोफ़ा सब। आप देख सकते हैं यहाँ पे पलंग वगैरह भी है, तमाम चीज़ें हैं खूबसूरत तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, और आने वाले दिनों में जो है इससे ज़्यादा सामान सब यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि आज तो ओपनिंग का दिन है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा यहाँ पे सोफ़ा, कलरफुल। अब किसी तरह का आप लोगों को जो है अगर सोफ़ा या इस तरह कुछ फर्नीचर का आइटम कोई भी चीज़ अगर लेना चाहें तो आप जो है ताज फर्नीचर मुसरी घरारी पटोरी रोड से संपर्क कर सकते हैं। सोहन मार्केट में है, बाबा होटल से थोड़ा सा आगे दाएं तरफ। आइए इसके ऑनर से बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहते हैं इसके सिलसिले में। सामने आप देख सकते हैं मुसरी घरारी नगर पंचायत के अध्यक्ष के ससुर फुलेंद्र जी भी नज़र आ रहे हैं इस ओपनिंग के मौके पर, और सामान का जायज़ा लेते हुए आप देख सकते हैं रेट में दिए हैं दूसरी जगह का 85,000 बोला अभी बाबू हमको पानी बिस्मिल्लाह की है 60,000 में थी। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी चीज। समस्तीपुर जिला के मुसरी घरारी नगर पंचायत के पटोरी रोड स्थित
सोहन मार्केट में ताज फर्नीचर का आज ओपनिंग हुआ, जिसमें माननीय विधायक सायंजन व मंत्री विजय कुमार चौधरी जी जो है इस वक्त यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए आ चुके थे और ओपनिंग करके अभी गए हैं। और उसके बाद जो है अभी हमारे सामने दिव्या कुमारी जो कि मुसरीघाटी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके ससुर जी फुलेंदर जी हैं। फुलेंदर जी, अपने क्षेत्र में ये सब चीज़ तो नहीं था, कैसा लगा आप देख के? बहुत अच्छा लगा है। और ताज फर्नीचर जो खुला है उससे हमारे नगर पंचायत में लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। और मैं इनसे आशा करता हूं कि अच्छे उचित मूल्य पर दें ताकि लोग यहां से खरीदें और लोगों को आसान किस्तों में मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ जो है यहां पे आबिद जी है जो कि इस ताज फर्नीचर के ऑनर है। आबिद जी से हम बात करना चाहेंगे और ये तमाम चीज़ें हमें जो है दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें इनके पास अभी अवेलेबल है। आबिद जी, आपके मन में कैसे बात आया कि भाई मुसरीघाटी में भी इस तरह का फर्नीचर का दुकान होना चाहिए? मुसरीघाटी में जहाँ तक हमारा अंदाजा है इस तरीके का फर्नीचर शॉप नहीं था। यहाँ के लोग कभी पटना कभी मुजफ्फरपुर बाहर जाते थे, तो ऐसा ख्याल दिल में आया जो नहीं, यहाँ के लोग भी चाहते हैं जो इस तरीके का चीज बनना चाहिए, मिलना चाहिए। तो यही विचार था हमारा जो हम एक अच्छा से अच्छा शोरूम खोले, और हमने खोला है और कोशिश करेंगे जो अध्यक्ष जी बोले हैं सस्ते सस्ता दाम में और उचित दाम में, तो उचित दाम में ही हम देने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि हमारे यहाँ लोग आए और देखें एक बार चीज को। आबिद भाई, हम आपके साथ ऊपर जाए ऊपर चलेंगे तो सारे फर्नीचर को देखेंगे और आपसे बात करेंगे। उससे पहले जो है यहाँ पे जो इसी क्षेत्र के 7 नंबर वार्ड के जो है अजमल भाई जो है वार्ड पार्षद है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, खुला है, सब लोगों को यहाँ सहूलत होगा, और जो लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर लेने के लिए जाते थे उनसे भी कम से कम में भी उनसे भी मिलेगा, बस बढ़िया। आप लोग अब तो कॉपरेट करेंगे इनका हर तरह से सामान तो करेंगे, कॉपरेट तो करेंगे। क्षेत्र में नहीं था, अब नया दुकान हो गया, यहाँ पे नया दुकान हो गया, सहूलत हो गया। मुजफ्फरपुर जाके लाते थे महंगा पड़ता था, वहाँ से भी सस्ता आपको अगर मुसरीघाटी मिल रहा है तो अच्छी बात है। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर जो है हकीम जी, काफी प्रचलित नाम है, समाज सेवी भी हैं बथुआ के, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं हकीम जी? अभी ताज फर्नीचर खुलने से कम इस इलाके के लोगों को बहुत सुविधा होगा, उसको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा और सही दाम में जो है से यहाँ फर्नीचर का सामान मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे एक कस्टमर भी जो कि अभी अभी तुरंत मैंने देखा था, वो अभी यहाँ पर खरीदारी किए हैं पलंग वगैरह। चचा है हमारे साथ यहाँ पर, क्या नाम हुआ चचा? जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। कहाँ से आए हैं? मैं तो बथुआ बुजुर्ग के रहने वाला हूँ, बगल के ही है जी। तो अभी आपने आपको मैंने देखा था, मैं बच्ची की शादी है तो हम मुजफ्फरपुर जाने वाले थे और मझोलिया गए तो वहाँ 80-85-90 हजार बोला, हाया घाट गए तो 105 बोला, 1,05,000। ये आबिद जी खोले तो हमको बड़ा मेहरबानी, बेहतरीन चीज फर्नीचर और डाइनिंग टेबल सस्ता में दिए, या उसाई सब बहुत सस्ता में हम सोफा सेट मिला करके हमको 60,000 में दे दिया जी, हमको 40,000 का बचत हुआ। हमारे चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को देख रहे हैं, जो भी दर्शक जो इस इलाके के जो दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि बहुत अच्छी सामान और बेहतरीन सामान यहाँ, कम करके मुसरीघाटी क्षेत्र के जो लोग हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज के जो है इधर इस साइड के, बोलेंगे तो वो तो आराम से आप इधर आ जाएंगे। हाँ, आराम से आएंगे और इनके माल बहुत बेहतरीन है, 1 नंबर लकड़ी का है, शीशम का है। दोस्तों, आइए चलते हैं आबिद जी के साथ और ऊपर वो तमाम चीजें हम देखेंगे क्या कुछ है इसके पास। चलिए दोस्तों, अंदर आ चुके हैं। कितना दाम है? ये 3 सीटर सोफा है, ये 22,000 रुपए का है, इसमें 3 कलर है। जो आप मार्केट में ऐसे जाइएगा तो 28,000-30,000 जिसको जो रेट है वो बेचता है, लेकिन कम से कम रेट पे आपको ये सोफा मिलेगा। इसमें 3 कलर है। ये ड्रेसिंग है, ये कुछ नया लुक में है, इम्पोर्टेड चीज है। इसमें टचिंग लाइट है, मैं आपको जला के अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसमें 2-3 कलर है और 2-3 डिजाइन भी है। उसके बाद जो नॉर्मल ड्रेसिंग जो यहाँ बनते हैं उससे कुछ हट के जो है वही रेंज में आपको मिलेंगे, 4,000-4,500 के रेंज में आपको बढ़िया चीज मिल जाएंगे। इसके बाद जो ये जो सोफा अभी बहुत, ये सोफा देखिए, हाँ ये बहुत बेहतरीन सोफा लग रहा है, ये ब्रांड का है, इसे कॉपी करके लोग बेचते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में इसी तरह। ये 65,000-70,000 रुपए रेंज के, लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 28,000 रुपए मिलेंगे। इसमें भी आपको 2 कलर ऑप्शन है, इसमें 2 कलर इसमें ही मिलने जा रहा है। उसके बाद महाराजा लुक सोफा, ये रॉयल सोफा, ये रॉयल सोफा, ये तो राजा महाराजा वाला है, रॉयल सोफा जिसको बोलते हैं। नए लुक में सागवान की लकड़ी है, ये सागवान की लकड़ी, सागवान की लकड़ी है और फिनिशिंग इसका देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल राजा महाराजा के पास जैसा सोफा होता है।
आएंगे, इसके थ्री सीटर है ये एक और दो ये आएंगे, तीन थ्री सीटर एकदम नए लुक में आएंगे, सागवान की लकड़ी है बिल्कुल, गद्दा भी बहुत मस्त है, दीमक लगने की कोई चांस नहीं है, अच्छा से अच्छा आपको फिनिशिंग देंगे और अच्छा से कलर भी देंगे। इसमें कलर का ऑप्शन चाहिए, दो तीन कलर है इसमें, कलर भी बन जाएंगे। कौन कौन से कलर है इसमें? ग्रे है, ब्राउन है और इसके बाद हाफ व्हाइट है। इधर देखिए, इस साइड में देखिए, असरार दानी साहब भी बैठे हुए हैं। कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं दानिश साहब? अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक ठाक लगा बैठ के जी। मुसरी घाड़ी में नहीं था, आबिद भाई ने खोला है, बहुत अच्छा काम किया है। तब आप लोग तो इनका कोऑपरेट करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, खरीदारी करवाएंगे जी? बिल्कुल होगा, ठीक है, आरामदायक है पूरा? बिल्कुल बहुत आराम होता है। ये कितना का आबिद भाई? ये आपको 2600 रुपए का मिल जाएंगे ये चीज, कुछ नया चीज है, तीन तकिए के साथ में ये, और इसमें भी दो तीन कलर है, इसमें एकदम रेडी है ये तीन कलर। आइए जरा ये सामने देखिए, इस साइड भी ये तो हाँ, ये 24,500 के हैं, इसमें भी दो कलर है, इसमें ये हल्का डार्क कलर है, इससे लाइट कलर भी है, इसमें इसमें लाइट कलर मिल जाएंगे। आइए मैं आपको और चीज दिखाता हूँ, आइए जरा ऊपर की ओर चलते, यहाँ चलते हैं। देखिए ये, देखिए ये अभी अभी जिक्र कर रहे थे हम बाहर में, बाहर में इसी लाइट के बारे में बोल रहे हैं। ये देखिए इसमें टच कीजिएगा तो तीन लाइट है, इसमें तीन कलर के लाइट है और आपको तीन डिजाइन भी इसमें मिलेंगे, एक डिजाइन ये है, एक ये है और एक शोरूम में लगा हुआ है। इसमें तीन ड्रॉ है और सब ये इम्पोर्टेड है, ये सब इम्पोर्टेड है, कभी कुछ नहीं होना, दिमाग नहीं लगना, कुछ नहीं होना इसके अंदर। ये देखिए और भी सोफा डिजाइन के है, फोर चेयर के डाइनिंग है, ये देखिए पूरा सोफा भी है, बेहतरीन सोफा है और डाइनिंग टेबल वगैरह है। और ये ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर भी बहुत कुछ है। फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ रखे हुए। ये देखिए शीशम के लकड़ी के पलंग है, इसमें बहुत सारे डिजाइन है, आपको जैसा डिजाइन चाहिए वैसा बन भी जाएगा, जो फोटो दिखाएंगे सेम टू बना के देंगे आपको। हाँ, ये सारे बेड है और भी सोफा, सागवान की लकड़ी का सोफा है ये। आप लोग बनाते भी है? बनाते भी है, मैन्युफैक्चर बाजू में है, अपना कारखाना है बाजू में, खुद का बनाते भी खुद का बनाते हैं, बाजू में कारखाना है आप देख सकते हैं। अच्छा, फैक्ट्री है बाजू में। और ये देखिए सागवान की लकड़ी में है, ये सागवान की लकड़ी है, बिल्कुल इसकी फिनिशिंग देखिए, और कुशनिंग के साथ आपको मिलेगा, ये कुशन के लिए आपको लकड़ी सोफा बना के देगा, कुशन बाहर करवाइए। हाँ। तो ये चीज नहीं, ये चीज सारा चीज आपको यहाँ अवेलेबल है और मिलेगा आपको। देखिए ये न्यू लुक में बेड, देखिए आप ये सामने देखिए कैमरामैन, हाँ दिखाइए ये न्यू लुक, ये देखिए बहुत बेहतरीन कलर और इसमें डिजाइन और भी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, नया चीज कुछ मिलेगा आपको, आपके बजट में मिलेगा। ये देखिए सोफा का कलर जैसे आपको बताया था मैं नीचे, ये सोफा तो बहुत खूबसूरत है, उसका डिजाइन कुछ अलग लग रहा है जी, अलग ही डिजाइन, राउंड डिजाइन कुछ नया हट के मिलेगा आपको। वो हाथ रखने वाला साइड में जी दोनों तरफ है, ये अलग अलग, ये अलग सामने देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है इसका। आइए ये सोफा, ये सोफा देख लीजिए आपको, ये 22,500 रुपए का सोफा है, ये 22,500 का जी, 22,500 का, इसमें थ्री पीस देंगे आपको, थ्री पीस थ्री सीटर देंगे आपको। आइए डाइनिंग, इम्पोर्टेड डाइनिंग, ये देखिए डाइनिंग टेबल भी है इधर दोस्तों, और डाइनिंग देखिए आपको, ये टॉप जो है टफन गिलास में मिलेगा ये, और ये सागवान की जो है चेयर है और सागवान की टेबल भी है, कुछ नया चीज मिलेगा इसमें, और भी ऑप्शन है आपके पास, कलर है डिजाइन है बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे, अलग अलग डिजाइन अलग अलग कलर के, ये सब सागवान की लकड़ी है, इसमें दिमाग लगना नहीं है इसमें, ठीक। हाँ आदमी ले आते हैं। और आइए दूसरे तरफ चलते हैं दोस्तों, उधर भी बहुत सारा पलंग्स है, नए नए आइटम्स है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। ये आबिद भाई ये कौन? पैकेज वाले हैं। हाँ। जिनको सस्ते में चाहिए पैकेज है, 40,000 के 60,000 के सब पैकेज है। हाँ। 40,000 क्या क्या चीज होता है? सोफा पलंग डाइनिंग ये सब सारा चीज आपको मिलेगा, ड्रेसिंग मिलेगा जी, सब सारे सेट के साथ आपको मिलेंगे। और आइए मैं आपको रॉयल दिखा, देखिए कुर्सी का लुक देखिए आप, डाइनिंग ये मैं बैठ के जरा देखना चाहूंगा, देखिए आप एकदम कंफर्टेबल है, ठीक है बहुत अच्छा है, एकदम प्योर सागवान की लकड़ी है, इसकी फिनिशिंग देखिए आप, खूबसूरत है बहुत ही, स्लिप अच्छा करता है ये, पूरा प्लेन है एकदम। और आइए आपको कुछ नए लुक में आपको पलंग दिखाता हूँ, जब ये क्या न्यू पलंग, ये पलंग है, पलंग है जी, पलंग है ये, न्यू मॉडलर पलंग इसको बोलते हैं, और ये रखा हुआ है जी, ये फोल्ड करके अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, ये पूरा रेडी नहीं हुआ, इसमें 7-8 कलर है और बहुत सारे डिजाइन है इसमें। हाँ। आपको अलग अलग डिजाइन मिलेंगे, और ये पीछे बैक है और ये पैर के तरफ का है, और इसका बीच का सेटअप बनना है अभी, बाजे फैक्ट्री बन रहा है, काम चालू है, बनेगा, और इसमें भी 8-9 कलर है और बहुत सारे ऑप्शन है, ये आपको 60,000 के पैकेज में आएगा, 60,000 के पैकेज। हमारे नाम पे जो कस्टमर जो आएंगे, जो हमारा वीडियो देख के आएंगे, उनको क्या डिस्काउंट? मैं आपके नाम पे अगर आता है तो मैं 10% ऑलरेडी डिस्काउंट, इसमें जो फिक्स रेट है इसमें मैं डिस्काउंट 10% दूंगा। समझ रहे हैं दोस्तों, जनता की आवाज आप तक के जितने व्यूअर्स है, अगर आपको मुसीघाड़ी क्षेत्र के आप है इस साइड के, तो अगर यहाँ पे आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, और बिल्कुल आपको मेरा नाम अगर ले लेंगे तो आपको 10% यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। आइए इधर हबीब भाई, फिक्स प्राइस है उसमें भी मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, फिक्स प्राइस में डिस्काउंट दूंगा।
आपके अगर माध्यम से आते हैं तो मैं उसमें डिस्काउंट दूंगा। ये देखिए आपको पलंग नहीं, कुछ नया चीज मिलेगा आपको, ये गद्देदार अलग टाइप का गद्देदार है, ये 5 इंच के कुशनिंग किया हुआ है, इंपोर्टेड चीज है ये, आपको दिमाग नहीं लगाना, ये सिरियाना की तरफ का, ये सिरियाना की तरफ का और ये पैर की तरफ का, ये सिरियाना पैदा है, बीच का भी पार्टीशन इसके बनने हैं, और ये बॉक्स पलंग ऐसे महाराजा पलंग के जैसा वही रहेगा, ये बहुत अच्छा और नया लुक है, चल रहा है, इसके और भी कलर देखिए, नया ये देखिए सामने देखिए वही चीज कलर देखिए, और ये बहुत अच्छा कलर है, ये बहुत चल रहा है अभी, ये कलर चल रहा है, और देखिए ये भी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, एकदम बजट में सागवान की लकड़ी में बहुत अच्छी चीज है, ये सागवान की लकड़ी, 2-3 कलर है इसमें और अच्छा अभी इसका जो है रिस्पॉन्स है। आइए दोस्तों जरा बैठ के देखते हैं इसमें, हाँ बहुत ही आरामदायक है बिल्कुल, आपके पास अगर डाइनिंग आपके अगर घर के में घर में जो है एक मेहमान खाना है उसमें आप रख देंगे तो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती बढ़ा देगा, सब सागवान की लकड़ी में, कभी कुछ नहीं होना इसमें, और भी गोदरेज शादी के जो गोदरेज ड्रेसिंग निमत खाना जितने भी शादी के आइटम होते हैं और भी हमारा गोदाम है, इसमें जितना चीज सारा चीज आपको शादी के जो सामान लेने लकड़ी का यहाँ से आपको वापस नहीं, अगर चीज लेने आए हैं तो लेके ही जाएंगे और आप अपने बजट में लेके जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा और मुसरी गरारी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठानों में से एक प्रतिष्ठान जिसका उद्घाटन आज हुआ है, काफी अच्छा लगा, ये चीज तो यहाँ पर नहीं थी अभी, नहीं ये फर्स्ट दफा, तो आप लोगों के लिए बतवा दूसरा के लोगों के लिए तो आसान हो गया ना? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक मुसरी गाड़ी में एक बहुत ही अच्छा चीज आया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और ये आबिद बाबू का नया प्रतिष्ठान खुला है जो हमारे इस मुसरी गाड़ी शहर के लिए एक अजूबा चीज है, बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी आप क्या सोच रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको यह फर्नीचर ताज फर्नीचर कैसा लगा, मुसरी गाड़ी पटोरी रोड में है, बाबा रेस्टोरेंट से जो है 100 मीटर आगे दाएं तरफ जो है पटोरी रोड में ये सोहन मार्केट में स्थित है दोस्तों। ताज फर्नीचर मुसरी घाड़ी पटोरी रोड में अभी हमारे साथ दो मेहमान हैं यहाँ पे, सिवान और गोपालगंज से चलकर आए हैं, यहाँ पे अशरफ जी हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के जो है अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर यहाँ पे आपका आना हुआ है ताज फर्नीचर में, क्या कुछ कहना है, कैसा लगा यहाँ पे? देखिए हमको तो थोड़ा सा सब आने में लेट हो गया क्योंकि जाम का मसला काफ़ी है आज, पर फिर भी अताउर रहमान साहब और साथी लोग कांटेक्ट किए कि भाई आपको आना है, तो इकराम साहब और हम लोग आए हैं और हम लोग मुबारकबाद देते हैं, और ये बिहार तरक्की के रास्ते पर है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं इनके लिए आगे के भविष्य के लिए। सर अभी रिसेंटली में जो है अभी मुसीघाड़ी नगर पंचायत बनी है, तो अभी इस तरह का यहाँ पे दुकान नहीं था, तो अभी यहाँ पे खुला था, कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, हम लोग तो आते रहते थे तो हमेशा से आए हैं यहाँ, जिधर भी गुजरना हुआ है तो अताउर रहमान साहब जो है हम लोगों को रोके, हम लोग मिले हैं, और लोग भी यहाँ पर हैं, बहुत पहले से हम लोग आते रहे हैं। पर जो है गोपालगंज से चल के आने वाले इकराम साहब हैं जो कि वहाँ के जो है पूर्व विधायक के साहबजादे हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बधाई देता हूँ, श्रोताओं को बधाई देता हूँ, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, एक एक इस ताजपुर पटोरी रोड में इतना बढ़िया दुकान, हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि फर्नीचर का खुलेगा, और बहुत अच्छा लगा, थोड़ा विलम्ब हो गया हम लोग को, जाम उम रास्ते मिला, लेकिन हम लोग दुआ करते हैं भाई कि इसको और अल्लाह तरक्की दे, ऊपर वाला दे के और अच्छे से ये चले। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त जो है जदयू नेता अस्मेक देवी जी पहुँच चुके हैं ताज फर्नीचर में, चलिए ना पहले घूम लेते हैं, बड़का आदमी तक का सब सबका सब तरह का लकड़ी वाला इधर है, लकड़ी वाला इधर, इधर प्लाई वाला है, इधर लकड़ी वाला मैडम, आप जो है इस वक्त ताज फर्नीचर मुसरी घाड़ी पटोरी रोड में मौजूद है, कैसा लगा देख के मैडम? इसे अच्छा लगा है, इसलिए कि मैं शुभकामना देती हूँ कि अच्छे से चले, क्योंकि हमारा युवा ने आज खोला है दुकान, इसको उन्नति दे भगवान, और आज छठ व्रती से हम लोग उभरे हैं, मैं मंत्री जी भी मैडम यहाँ पे आए थे, हाँ मंत्री जी भी आए थे, इसलिए मैं भी कहीं ना जो देख लेती हूँ वहाँ पे, इसलिए शुभकामना देती हूँ कि अच्छा से चलावे। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी शुभकामना है, आज
छठ व्रत से हम लोग निकले हैं और इस अवसर पर इस दुकान का उद्घाटन हुआ है। माननीय मंत्री जी ने इस दुकान का उद्घाटन किया है और हम सब लोग आए हैं और मेरी शुभकामना है कि ये दुकान दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े और नौजवान जिन्होंने ये खोला है उनके लिए मेरा आशीर्वाद है कि वो इसी तरह से कामयाबी की मंजिल चढ़ते जाए और इससे इस दुकान को विस्तार करते हुए और लोगों की सुविधा के लिए और लोगों की आवश्यकता के लिए लोगों से संबंधित सामानों की उपलब्धता यहाँ सुनिश्चित करें, यही शुभकामना है। ताज फर्नीचर फटोरी रोड मुसरी घरारी में आप देख सकते हैं सामने समस्तीपुर प्रमुख पति जुम्मन जी भी पहुँच चुके हैं। बहुत अच्छा लगा देख के, तो हम बहुत खुशी हुए हैं। चलेगा जमेगा, हम लोग का काम रहा जमा देना है ना, और खूबसूरत सब भी बेड सब है, बहुत अच्छा पसंद भी पड़ा है, हम लोग लेंगे इसमें से, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? जनता की आवाज़ आप तक का यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए ताकि वो अगर इस क्षेत्र के हैं तो यहाँ पे आसानी से आके जो है ये जितने भी सामान है अगर जो भी चीज़ चाहिए उनको वो आप यहाँ ले सकते हैं। अगर आप जनता की आवाज़ आप तक का अगर जिक्र अगर यहाँ पर करेंगे कि आपके वीडियो मैं जनता की आवाज़ आप तक का वीडियो देखकर आपके पास आया हूँ तो मेरे नाम पे ये 10% जो आपको फिक्स प्राइस जो होगा उसमें भी डिस्काउंट कर ही देंगे, जैसा कि इन्होंने अभी मेरे सामने कहा है। मैं 10% जो फिक्स प्राइस है उसमें 10% अगर जनता की आवाज़ के माध्यम से आते हैं तो मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा आपको। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। बाकी आपको इसमें कोई ऐसा आइटम जो आपको कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि इनके ऑनर को मैं बताऊंगा तो वो यहाँ पे लाके रखेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और जनता की आवाज़ आप तक को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, बाकी जितने भी सोशल मीडिया साइट है वहाँ जो आप फॉलो कर सकते हैं आप हमें जनता की आवाज़ आप तक के नाम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।